दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा 10 रुपए का महंगा नोट जिसकी कीमत 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 भी बताई जाती है। क्या आपको पता है वो कौन सा नोट होता है जिसके बदले में इतनी ज्यादा कीमत मिल सकती है? अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग 10 रुपए का रेयर नोट कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर आप लोग के पास में भी ऐसे 10 रुपए के पुराने वाले नोट पड़े हुए हैं तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और एंड तक देखना, अच्छे से समझना कौन सा वो नोट होता है जिसके बदले में 10,000, 20,000 की कीमत मिल सकती है। अगर आप लोग भी एक कलेक्शन करते हैं या फिर नोट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, अच्छे से समझना एक बार। इसमें समझने वाली बात होती है कि रेयर नोट में निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है, तो वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि रेयर नोट क्या होता है और कॉमन नोट क्या होता है, कौन सा वो नोट होता है जिसके बदले में 10-20 हज़ार की वैल्यू मिल सकती है। तो गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलो जानते हैं आगे वीडियो में डिटेल से वो कौन सा नोट है, कितनी वैल्यू देगा और कैसे उस नोट को आप पहचान सकते हैं। गाइस, उस रेयर नोट को जानने से पहले मैं आपको इस कॉमन नोट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहूंगा कि आप इस नोट को सबसे पहले पहचान ले कि इसमें रेयर होने की वजह क्या होती है, नोट में क्या चीज आपको देखना होता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि ये कॉमन है और ये नोट रेयर है। तो सबसे पहले हम लोग नोट को देखेंगे गांधी जी की साइड से, जहां पे गांधी जी की फोटो बनी हुई है और उसके एक बीच में डिनोमिनेशन 10 लिखा हुआ है और उसके नीचे 10 रुपये लिखा गया है, और उसके नीचे मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये जो चीज है यहाँ पे लिखी हुई, उसके नीचे डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस नोट को जारी करने के टाइम पे गवर्नर कौन था। डी सुब्बाराव जी के कार्यकाल में ये 10 रुपये का नोट जारी किया गया है। अब यहाँ पे ईयर की बात करें तो इस नोट को पलटी करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस साइड से हम लोग नोट को अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो जगह है इसको वाटरमार्क हम लोग बोल सकते हैं। ऊपर की साइड में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में। अब यहाँ पे जो मेन चीज देखने वाली होती है कोई भी नोट में, वो सबसे पहले होती है ये वाली। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नोट का प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब इस नोट में एप प्रीफिक्स है, जिसको आप एरो के माध्यम से समझ सकते हैं। नोट के अंदर बी इंसेट है, इंसेट आपको दिखाई दे रहा होगा, एरो एरो से देख सकते हैं आप लोग, ये बी इंसेट है इस नोट का। और आगे जो नंबर है 134053, ये इस नोट का सीरियल है। आपको ये चीजें अच्छे से समझ लेनी है। वही सेम सी चीज आपको नीचे भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एफ प्रीफिक्स देखने को मिलेगा, बी इंसेट देखने को मिलेगा और सेम सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप एक कॉमन नोट को पहचान सकते हैं। आगे रेयर नोट बताऊंगा, रेयर नोट में क्या पहचान होती है, कौन सा वो नोट होता है जो 50-50 हज़ार में बिक जाता है, ऐसे कोई कॉमन नोट नहीं बिकता है। अब मैं आपको ईयर के बारे में दिखाता हूं कि आप इस नोट का ईयर कहां से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नोट को एक बार पलटी करके देख लेना है। पलटी करने के बाद में यहाँ पे नोट का ईयर मेंशन किया जाता है, जिसको आप लोग एरो के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि आप नोट को पलटी करेंगे तो आपको नोट का ईयर कहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहां से आप इस नोट का ईयर चेक कर सकते हैं और ये साइड से आप प्रीफिक्स और इंसेट चेक कर सकते हैं। ये जो बी है इंसेट है, एफ प्रीफिक्स है इस नोट का और ये वाला सीरियल नंबर है। अब बात कर लेते हैं उस नोट के बारे में जो रेयर नोट है। ये एक कॉमन नोट के बारे में मैंने आपको समझाया। रेयर नोट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये बी है, यहाँ पे एक एल होता और ये एफ प्रीफिक्स है। बी एफ प्रीफिक्स का एल इनसेट का नोट, जिसमें आपको डी सुब्राव जी का सिग्नेचर देखना है। ये जो सिग्नेचर है, ये नोट आपका होता है एल इनसेट का। तो ये नोट आज के टाइम पर आपको वैल्यू दे सकता है 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक। लेकिन क्यों दे सकता है उसके बारे में बताता हूं मैं। ये दो चीज ध्यान से देख लेना, एफ प्रीफिक्स, एल इनसेट, डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर, ये चीजें आपको इस नोट में देखनी है।
अगर आपके पास में एल इनसेट का ये नोट होता है तो 2000 से लेकर 5000 तक की वैल्यू दे सकता है। उसके बाद में ये इस नोट कुछ चीजें सीरियल, मतलब इसका जो ये सीरियल नंबर है ये इस नोट को रेयर बनाता है। कैसे बनाता है बताता हूँ आपको। जैसे 000786 होता है तो इस नोट की वैल्यू बढ़ जाती है। एल इनसेट की बात कर रहा हूँ, बी इनसेट की नहीं कर रहा हूँ। आप ओनली 786 देखेंगे तो वो नोट रेयर नहीं होगा, उसका कोई 10-20 रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। एफ प्रीफिक्स में, डी सुबाराव जी के सिग्नेचर में, एल इनसेट में आपको 000786 होता है तो ये नोट 5000, 6000, 7000, 8000 तक की वैल्यू रख सकता है। यहाँ पे ओनली 123786 होता है तब भी थोड़ी वैल्यू और बढ़ जाती है। इस तरह से ये नोट रेयर हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे एक नोट की मैं फोटो दिखाता हूँ आप। इस नोट को ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे एफ प्रीफिक्स देखने को मिलता है और एल इनसेट देखने को मिलता है। आगे सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से एक बार चेक कर लें। इसके बाद में हम लोग नीचे की साइड में आते हैं नोट में। नीचे भी एफ प्रीफिक्स एल इनसेट होना चाहिए एक्चुअली में एक नोट के अंदर, लेकिन इस नोट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ई प्रीफिक्स है, एल इनसेट है। एल इनसेट सही है, सीरियल नंबर सही है, लेकिन एप की जगह पे ई इनसेट दे दिया इस नोट में, जिसकी वजह से ये एक रेयर नोट बन जाता है। इस तरह के मिक्स मैच नोट की कीमत अच्छी खासी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके नोट किस कंडीशन में है और खरीदने वाला कौन है और उसको कितनी नीड है, लेकिन ये एक रेयर नोट हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे नोट का हमेशा ही कलेक्शन करना चाहिए। तो इस तरह के जो नोट होते हैं वो नोट होते हैं रेयर। बाकी ये जरूरी नहीं है मैं आपको जिस नोट की जानकारी दे रहा हूँ इसी नोट में ये रेयर नोट मिलेगा, हो सकता है आपको दूसरा कोई नोट में भी ऐसे रेयर नोट मिल सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होता है, ओनली उस नोट को अच्छे से देखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर कहाँ होता है नोट का, प्रीफिक्स क्या होता है, इनसेट क्या होता है, सीरियल नंबर क्या होता है और नोट को रेयर क्या चीज़ बनाती है, इस तरह की जानकारी आपको होनी जरूरी है। बाकी तो नोट की कंडीशन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो नोट कितना रेयर हो सकता है, कितने में सेल हो सकता है। ऑनलाइन साइड पे ऐसे नोट बहुत ज़्यादा महंगी कीमत में रखे जाते हैं, कभी कभी नोट बिक भी जाते हैं, लेकिन सभी नोट बिक जाए ये कन्फर्म नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बुक भी खरीद सकते हैं जिसके माध्यम से आप इन नोटों की कीमत पता कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देना। उससे क्या होता है ना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।